अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मयूर रजा खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारी फाइवर की सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से फाइवर की प्रोफाइल की सेटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को हाईली ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आज हम सीखेंगे हम अपने प्रोफाइल की सेटिंग किस तरीके से करेंगे। देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने प्रोफाइल पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास देखें यहाँ पर आ रहा है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आपने कैसे लगानी है, मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि जिस तरह आप इंटरव्यू देने जाते हैं तैयार होके अच्छी ड्रेसिंग में, उस तरह की प्रोफाइल पिक्चर हो आपकी ड्रेसिंग के हवाले से और आप अच्छे आपके हेयर बने हुए सारी चीज़ें बनी हुई और बैकग्राउंड लाइट्स हो। तो आपने क्या करना है वो यहाँ पे अपडेट करनी है पासपोर्ट साइज़ की हो वो, ठीक है। मैं एक आपको ऐसे दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, मैंने एक अपनी पिक्चर में से क्रॉप कर ली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपलोड हो रही है, ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। तो आप लोग भी इस टाइप की अच्छी सी जो सबसे अच्छी तस्वीर है वो आप यहाँ पे लगाएं अपनी, ताकि जब क्लाइंट आपका देखे तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। इसके बाद देखें हमारा जो यूनिक नेम है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी हमने जो एक दफ़ा रख दिया हमने रख दिया, हम अपना जो ये वाला नाम है डिस्प्ले नेम इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये सेट है बिल्कुल, मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब देखें इसके बाद हमें थर्ड लाइन यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि हम जो अकाउंट बना रहे हैं हमने बनाया है ये एनिमेटर के हवाले से, ठीक है। तो मैं अपने इस कैटेगरी को क्या करूँगा, एक लाइन में मुझे डिफाइन करना है, मुझे इसको बड़ा चौड़ा नहीं लिखना, और जो जिस फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ सबसे ज़्यादा, भले मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हूँ, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और भी यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग, लेकिन जिस चीज़ में मैं सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो एनिमेटर के हवाले से आपने वहाँ पे एक लाइन में डिस्प्ले देना है। मैं आपको यहाँ पे एक दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैंने आईडी दी हुई, देखें सैयद हैं ये, देखें एडिटिंग वाइब्स, और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट इन 2D एनिमेशन एंड एलस्ट्रेशन, ठीक है। दो चीज़ में एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने यहाँ पे इसको शो करा। इसी तरह देखिए यहाँ पे एक ही है, इन्होंने क्या लिखा है, 2D गेम एनिमेटर, तो ये इस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो इन्होंने अब क्या करा है, अपनी कैटेगरी को एक लाइन में डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो सामने वाला जब क्लाइंट इस पर उसको पड़ेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये जो भाई हैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो आपने भी यही करना है यहाँ पे, और इसको करने के बाद यहाँ पे हमने उसको अपडेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि भाई आपकी कंट्री क्या है, पाकिस्तान है, और आप कब से आपने ज्वाइन करा है, तो हमने अभी सितंबर में ही अकाउंट बनाया है, तो ये देखें सितंबर दे रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है, देखें ऑनलाइन कोर्सेज स्पेसिफिकली 12 फॉर फाइवर सेलर, ठीक है। इसमें हमें क्या देखें, अर्न बैच एंड स्टैंड आउट, ये क्या करना है, फाइवर ने हमें कोर्सेज प्रोवाइड करे हुए हैं। हम अगर आपके पास पैसे हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको करना है कि नहीं करना, ये ऑप्शनल है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसको कर लेते हैं और इसका एक टेस्ट होगा उसको आप क्लियर कर लेते हैं, तो फाइवर जो है वो आपकी आईडी पे जो है एक बैच की शक्ल में देगा कि आपने ये कोर्सेज करे हैं फाइवर से, और उसमें आप पास हुए तो एक बैच आ जाएगा। तो इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके क्लाइंट को। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आते हैं डिस्क्रिप्शन। आपने डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें लिखनी है जिस जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। ऊपर जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ऊपर आप सिर्फ वो लिखोगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, और नीचे आप अपनी सारी जो भी आप वर्किंग कर रहे हो, जो कैटेगरी उसको आप पूरी तरह से डिफाइन कर दोगे, सही है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखें इन्होंने यहाँ अपने आपको पूरा डिफाइन करा हुआ है, अपने जो भी जिस कैटेगरी में इलाई कर रहे हैं, वर्किंग करते हैं, उस उन्होंने यहाँ पे क्या करा है, पूरा अपने आपको डिफाइन करा हुआ है। सेम देखें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि आपने क्या लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कैटेगरी के हवाले से, ये देखें आपकी कैटेगरी एनिमेटर है, तो आप फाइवर के सर्च में जाके एनिमेटर लिखेंगे, और उस हवाले से जो अपने आपके अपोनेंट हैं और जो आपकी कैटेगरी के हवाले से वर्किंग कर रहे हैं फाइवर पे, आप उनकी आईडीज़ को सर्च करेंगे थोड़ा सा, और आप देखेंगे कि आप क्या लिख सकते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, तो आप उनके हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में देखें आपने क्या सिलेक्ट करना है, इंग्लिश तो होनी चाहिए, इंग्लिश आपने सेलेक्ट करी। इंग्लिश के बाद आप देखें लेवल जो है आपका ये होना चाहिए फ्लुएंट, ठीक है, ये हो गया, ये ऐड कर दी। इसके अलावा देखें हम क्या कर सकते हैं, उर्दू भी, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है हम उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू हो गया, इसको आप ऐड कर देंगे। अच्छा एक मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन दूंगा, इसमें आप क्या है, ये भी हमारे क्या है, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक लैंग्वेज हमें ज़रूर ऐड करनी है यहाँ पे, ये आपको इसका फ़ायदा होगा आगे चल के, इस लैंग्वेज का फ़ायदा आपको ये हो गया फाइवर पर बहुत सारे जो आप इसमें लिख देंगे फ्लुएंट लिख दें, ठीक है, इसको ऐड कर दें। अब इस लैंग्वेज का फ़ायदा आपको ये होगा कि फाइवर पर बहुत सारे जो क्लाइंट हैं उसमें से एक बहुत बड़ी कैटेगरी इस लैंग्वेज की
इस लैंग्वेज की है, इस लैंग्वेज के हवाले से आती है, तो आपको कोई मसले वाली बात नहीं। आपको फ्रेंच नहीं आती तो नहीं आती, गूगल आप गूगल ट्रांसलेटर पे जो भी मैसेज आया, अगर कोई क्लाइंट आपसे रब्ता करता है, कोई चीज़ डिटेल मांगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं। और अब तो फाइवर ने अपने बिल्टन भी ट्रांसलेट का ऑप्शन लगा दिया है, तो ये आप लिखेंगे तो इससे आपको आगे चल के आपके अकाउंट को ग्रो होने में बहुत फ़ायदा होगा। देखें इसके बाद हमारा आ रहा है लिंक अकाउंट। आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं या जो भी अकाउंट है, आप उसको क्या करें, यहाँ पे लिंक करा दें। अच्छा देखिए, लिंक कराना अकाउंट यहाँ पे लिंक कराने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि फाइवर क्या करता है, फाइवर सिर्फ आपकी आईडी पे शो करेगा कि ये अकाउंट इनके बने हुए हैं, लेकिन वो आपके क्लाइंट को आपके अकाउंट शो नहीं कराएगा, वो आपके अकाउंट को देख नहीं सकते, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि जब आप अपने सारे अकाउंट को लिंक करा देंगे फाइवर में, तो फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो ये इस चीज़ को समझेगा कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल सही तरीके से काम करने आए, ये अपने प्रोफेशन को लेके सीरियस है, तो वो यकीनन आपकी आईडी को ग्रो होने में बहुत मदद करेगा। ये मैं दिखाता हूँ, देखें अब जैसे इन्होंने यहाँ पे अपने फेसबुक, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, देखें मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अकाउंट ऐड करे, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता। सेम इनके भी यहाँ पे अगर हो तो मैं दिखाता हूँ, देखें इनका गूगल पे अकाउंट है, बिहान्स पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, कि मैं इसको खोल नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये हो गया, इसके बाद आ गए हमारे स्किल्स। तो आपको जो जो स्किल्स आपकी जिस कैटेगरी में लाए करते हैं और जो जो आपके पास स्किल्स हैं, आप उसको अलग अलग से एक एक स्किल्स को अलग अलग करके यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एनिमेटेड, एडोब एनिमेटेड जैसे ये लिख लिया, और आपने एक्सपीरियंस जो आपका है इंटरमीडिएट बिगनर है, एक्सपर्ट है, तो आपने ऐड कर दिया। इस तरह आप जितने भी चाहें स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, और आप जो जो जिस जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं आप उसको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करिएगा। इसके बाद आ गई देखें आपकी एजुकेशन, आपने क्या करना है, आपकी जो एजुकेशन है वो यहाँ पे आपने लिखनी है, और जो एजुकेशन आपकी रियल में हो, जो कंप्लीट हो, वही आप लिखिएगा, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिएगा। फाइवर जो है इसको वेरीफाई नहीं करा था, लेकिन गलत लिखना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई कोर्सेज वगैरह करे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सर्टिफिकेट वगैरह, ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा क्लाइंट पे। तो देखिए हमने आज की वीडियो में हमने देखा कि आप हमने प्रोफाइल को किस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल की हमारी पूरी सेटिंग हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसमें अगर कोई आपको मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी गिग्स को किस तरह ढूंढें फाइवर पे, कि हमें किस कैटेगरी में काम करना है और जो अभी टॉप पे चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।